खटीमा में 27 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 1 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी। इस घटना में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे, जिनकी याद में हर साल खटीमा में शहीद दिवस मनाया जाता है। आज 1 सितंबर को खटीमा में मनाए जा रहे 28वें शहीद दिवस में उत्तराखंड राज्य के गठित होने के बाद पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने शहीद दिवस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 31 दिसंबर 2021 को चिन्हीकरण से वंचित राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जाएगा। अब खटीमा में सरकारी तौर पर शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा और साथ ही मृतक राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ पर शहीदों को नमन करता था, उनको पुष्पांजलि करता था, श्रद्धांजलि करता था और हमेशा ही संकल्प हम लेते थे। आज मैं आप सबके समक्ष कहना चाहता हूँ कि हम संकल्पबद्ध हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो शहीद हैं उनके सपनों के अनुरूप हमारे उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, हमारे आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए हम आगे काम करेंगे। मानते हैं कि सपने साकार हुए हैं, क्योंकि प्रतिमा की जननी को आप हमेशा कहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, प्रतिमा हमारी उत्तराखंड आंदोलन की जननी है। कहीं से अगर आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ तो खटीमा से हुआ, उसी का परिणाम था कि हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। इसी रूप से धरती हमारे लिए साक्षात स्वर्ग के समान है और साक्षात ये धरती जो है उत्तराखंड को रास्ता दिखाने वाली धरती है। ये शहीदों की धरती है, सैनिकों की धरती है, ये हमारे गुरु नानक जी की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ पर माँ पूर्णागिरी का धाम है, यहाँ पर धारामल बाबा, बयानपुरा बाबा और तमाम हमारे नानक माता साहेब, आसपास के सारे क्षेत्र जो है हमारे महापुरुषों का जो है ये क्षेत्र रहा है, देवी देवताओं का क्षेत्र है। निश्चित रूप से ये धरती उत्तराखंड को दिशा देने वाली है। धन्यवाद।